They say it's better late than never. पर कितना लेट बॉस, जब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ने तबाही मचा रखी है, ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर उसमें है, तब होंडा डिसाइड करता है कि भैया अब हम भी आ जाते हैं. ठीक है, जापानीज अपना स्वीट टाइम लेते हैं, बट इतना कितना स्वीट टाइम ले रहे हो आप? तो वो शिकायत तो डेफिनेटली मेरी है ही है, बट फाइनली अब ये आ ही गए हैं, तो क्या होंडा, जिनके पास 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि अपनी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए जाना जाता है, इनके पास में वो फॉलोइंग भी है कि जनता इन पर पैसा खर्च करती है, कि ये सब फैक्टर्स जो हैं इसके फेवर में काम करेंगे, क्या वाकई में ये वर्दी है लेट होने के बाद भी अच्छा कर पाने का? नमस्कार, कमागनी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो, और आज हम बात करेंगे होंडा एलिवेट. तो सर्वप्रथम इसमें हम टैंक फुल करवाते हैं. वैसे काफी कुछ फुल है, बट क्योंकि टैंक फुल मेथड हम यूज करने वाले हैं, तो ब्रिम तक भरवाएंगे और उसके बाद में एक अच्छा खासा रन करने वाले हैं. तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं पेट्रोल स्टेशन, चलिए भरवाते हैं. क्या चल रहा है भैया पेट्रोल का प्राइस? 159.50. फुल टैंक कर दो एकदम एंड तक, ब्रिम तक. हाँ, तो ब्रिम तक हो गया पूरा और लगभग 1084 रुपये का फ्यूल डलवाया, 9.90 लीटर्स, ऑलमोस्ट 10 लीटर्स का फ्यूल डलवाया है. अभी कुछ किलोमीटर चलाते हैं, वापस से फुल टैंक कराएंगे टू सी द एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल हमने भरवा लिया है एंड तक, जैसे कि आपने देखा. सब कुछ हम रीसेट करने वाले हैं, तो मैं एक बार को रीसेट कर देता हूँ. रीसेट हो गई ट्रिप ए और अब हम चलना शुरू करेंगे. So far we have driven 25 किलोमीटर से ज़्यादा हमने अभी तक. इनफैक्ट थोड़ा बहुत शहर में चलाया है, बट मोस्टली हाईवे पे चलाया है. अभी शहर में भी जाएंगे वापस से. ऑल्दो मतलब जब ये फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया उससे पहले मैं सिर्फ शहर में ही चला रहा था, और जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर ये अपने इंस्ट्रूमेंट टेस्ट पे दिखा रहा था वो काफ़ी डिसहार्टनिंग टाइप लग रहे थे. 9.8, 9.9, 10 ये फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा था, बट जैसे आप हाईवे पे आते हो तो ये स्टार्ट, मतलब एटलीस्ट मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहा हूँ अभी, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी 17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिखा रहा है. इस हाईवे की जो मैक्स स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो 80 या 90 है आई थिंक, तो उसी स्पीड लिमिट में हम चल रहे हैं. एम नॉट इवन टचिंग द 100 mark. सो 80-90 के हिसाब से हम टच देख रहे हैं. AC ऑन है क्योंकि गर्मी है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा उदयपुर में हम शूट कर रहे हैं, बट ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी की बात तो बाद में हम कर लेंगे, बट और बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि भैया क्या पोजीशनिंग है, क्या करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ों की बात हमने होंडा से की. तो देखिए, ऑप्शन वही है. पहली बात तो क्योंकि होंडा सिटी प्लेटफॉर्म पे ही ये बनी है, तो अंडरपिनिंग्स जो हैं दोनों की कुछ कुछ शेयर होंगी. इंजन जो है, पावर ट्रेन जो है वो शेयर होगी. पावर ट्रेन मतलब इंजन प्लस गियरबॉक्स के जो कॉम्बिनेशन है वो शेयर होंगे. दैट मीन्स आपके पास में वही 1.5 लीटर का मखनदार नेचुरली एस्पिरेटेड आईवी टेक इंजन है होंडा का, लेजेंडरी इंजन है ये भी. रेव हैप्पी है, बट अभी CVT चला रहे हैं तो रेव हैप्पी होने का थोड़ा बहुत चीज़ जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. ऑल्दो यू कैन स्टिल पुश इट, बट या 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आईवी टेक, जो कि लगभग 121 PS और 145 Nm का पीक टॉर्क देता है. अब सीधे तौर पर अगर आप इसके सीधे राइवल्स से बात करोगे, से फॉर एग्जांपल ग्रैंड विटारा का जो 1.5 लीटर आता है, इससे कम पावरफुल है और कम स्पिरिटेड भी लगता है वो. फिर क्रेटा की बात करते हैं, क्रेटा का 1.5 लीटर जो आता है वो आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम पावर बैंड, ऑलमोस्ट सेम तरीके की परफॉर्मेंस ऑफर करने की कोशिश करता है, बट दिस इंजन फील्स मच मोर रिलैक्स्ड इवन एट हायर स्पीड्स. दिस इज वेरी वेरी रिफाइंड. ऑल्दो ये रोड जो है अभी क्योंकि थोड़ा सीमेंटेड है तो आपको रोड नॉइज आ रही होगी, अदरवाइज यू डोंट हियर एनीथिंग. द इंसुलेशन इज बैंग ऑन, बहुत ही अच्छी इंसुलेशन उन्होंने की है. बट इंजन जैसे कि मैंने कहा 1.5 लीटर का आपके पास में मिलता है, और उसके साथ में दो ऑप्शन है. एक 6-speed का मैनुअल है जो कि बोल रहे हैं कि एक नया गियर बॉक्स है, बट आई थिंक इट इज़ द सेम जो सिटी में आता है, जो करंट सिटी में आता है वही सेम है. ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट गियर रेशियोज इन्होंने किए होंगे क्योंकि इट इज़ अ स्लाइटली बिगर कार, वेट जो है लगभग 100 किलो के आसपास ज़्यादा है इसका सिटी से, तो वो थोड़े बहुत गियर रेशियोज आपको चेंज करने ही पड़ेंगे. और क्योंकि SUV एट्रीब्यूट देना है तो आपको लोअर डाउन RPM आपको फील भी हुआ कि थोड़ा सा और हल्का सा गारंटी बनाने की उन्होंने कोशिश की है कि जब आप चढ़ान वढ़ान पर भी चढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो. बट वंस यू आर ऑन द मूव
एफर्टलेसली गाड़ी चलती है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो CVT है जो कि मैं चला रहा हूँ, और आज मैं इसी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्बन सेंटर्स में अब CVTs ऑटोमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि परेशान हुए हैं हम बढ़ते हुए ट्रैफिक से, तो उस वक्त CVT यू नो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आप पुराने CVTs की बात करोगे, 5-step CVTs जो ये लोग लेकर आते थे उससे कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली दिस इज अ स्टेप अप, और ये हमने होंडा सिटी में भी देखा है कि CVTs अब बिकम मच बेटर। इनफैक्ट जो पेडल शिफ्टर्स का असल यूज़ जो है ना, वो आपको ये न्यू जनरेशन CVTs में मिले देखने को मिलेगा, कि दे बिकम मच मोर एंगेजिंग, नॉट एज एंगेजिंग ऑफकोर्स अ प्रॉपर लाइक अ प्रॉपर DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन, बट CVTs टू मी सूट आर conditions सो रियली वेल। शहर में चला रहे हो, क्योंकि ऑफ द लाइन जब आप बात करते हो ना, ऑफ द लाइन इट इज गोइंग टू बी फास्टर देन इवन अ लॉट ऑफ DCTs, ठीक है। हाँ ठीक है, जब आप मोमेंटम में और आगे जाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे मतलब अप टू 60 जब शहर में चला रहे हो, दिस विल बी लाइक यू नो मच मोर मैनेजेबल, मच बेटर, स्पिरिटेड ज़्यादा लगेगी आपको, और ईजी भी रहेगी। ऐसा नहीं ना कुछ वो लैग वाली फील आती है CVT में, इनिशियली लैग वाली फील नहीं आती है, इट इज़ ओनली वैन यू स्टार्ट पुशिंग इट। आई एम नॉट पुशिंग मच टूडे क्योंकि मैं फ्यूल एफिशिएंसी रन भी साथ में कर रहा हूँ, बट लेट मी जस्ट शो इट, आई पुश इट, गेट्स नॉइजी एंड द प्रोग्रेशन इज नॉट एज मच, विच इज टिपिकल CVT, बट अगर आप जब टिपिकल CVTs और इस CVT में बात करोगे तो फ़र्क ही आएगा कि ये ज़्यादा इंगेजिंग लग रही है, ज़्यादा बेहतर गियर रेशियोज़ नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बेहतर मतलब आपको एक पावर बैंड में रखने की कोशिश ये करता है जहाँ पर आपको ताकत चाहिए ही चाहिए। बट जैसे ही आप पुश करना शुरू करते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। अगर मैं ओवरऑल अगर मेरा राइड एक्सपीरियंस की बात करूँ ना कि मेरे को कैसा लगा सो फार, शहर में भी चला ली मैंने और हाईवे पर भी चला ली है, आई कैन टेल यू वन थिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइकेबल कार। अगर आप होंडा के फैन रहे हो बिकॉज ऑफ their engines and the way they handle, और एक off lately हमने ride quality में भी जो improvement देखा है, वो सब चीज़ें ना इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा likeable बनाती है, क्योंकि इतनी naturally ये इसका steering है heavy होता है, क्योंकि हमने देखा है Koreans को, या इनफैक्ट आज की तारीख में तो मतलब आप unnecessary weight ना Koreans हो चाहे Japanese, for example Maruti Suzuki, तो अननेसेसरी वेट हमने उनकी गाड़ियों में देखा है, स्टेयरिंग में वेट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेयरिंग में वेट देखा है कि भैया जिससे लगे कि भैया गाड़ी ना हैंडल बहुत अच्छा कर रही है, बट दिस फील्स वेरी वेरी नेचुरल टू मी, दिस इज द बेस्ट हैंडलिंग कार इन द सेगमेंट। जो राइड और हैंडलिंग बैलेंस की जब आप बात करोगे ना, इतना सही बैलेंस है कि ये एस होंडा सिटी ने जो किया है, दिस does it even better. The reason I said कि ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 220 mm का ground clearance इस गाड़ी का है, कितना 220 mm का। आप उदाहरण के तौर पर क्रेटा का ground clearance है 190 mm, सेल्टॉस का 190 mm, और अब आप कुशाक वगैरह की बात करोगे टाइगून की तो उनका भी कम है, और ये गाड़ी इतनी ऊंचे होते हुए भी it doesn't feel bouncy, it handles well, it rides well, it sticks to its lines. स्टीयरिंग जो है वो बहुत ही अच्छे वेट का फील होता है शहर में नेचुरली, जो लाइट फील होता है, नॉट एक्सेसिवली लाइट बट जो नेचुरली लाइट होना चाहिए वो फील होता है, बहुत मज़ा जिसको कहते हैं ना वो आपको इस गाड़ी में आने वाला है। अब देखिए सेफ्टी की बात बहुत लोग करते हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि हैंडलिंग का कितना बड़ा रोल होता है एक की सेफ्टी में। कुछ एक डेफिनेटली मिसेस भी हैं जो कि मेरे हिसाब से व्हेन यू आर गोइंग इनटू द प्रीमियम सेगमेंट, स्पेशली अगर इस वाले सेगमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट ऑफरिंग्स है। सेल्टॉस इज फुली लोडेड, क्रेटा नहीं आने वाली है, फीचर्स के मामले में कुशाक और टाइगून भी जो हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको ऑफर करती है, इंजन ऑप्शंस वगैरह सब देती है। यहाँ पर चलो ठीक है हमने इंजन ऑप्शंस नहीं दिए, बट कुछ कुछ चीज़ों पर कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टीयरिंग, दिस स्टिल फील्स, मतलब लुक की बात करूँ मैं, फील की तो बात मैंने कर ली है, बट लुक की बात करूँ मैं, ये अभी भी लगता है कि भाई हाँ ठीक है पड़ा था हमारे पास सामान, हमने लगा दिया, ठीक है कॉस्ट कटिंग में हेल्प होती है, वो चीज़ें हैं, वो अच्छी बात है आपने दे दिया, बट कॉस्ट कटिंग वाली लगती है फील की, थोड़ा और प्रीमियमनेस इसमें आनी चाहिए थी। स्टिचिंग इनफैक्ट, द लेदर ट्रीटमेंट, दिस शुड फील मच बेटर, और आपके इंडिकेटर्स के जो ये आप नॉब्स हैं, ये नॉब्स वगैरह भी जो हैं हमने बहुत ही फेमिलियर है, इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी बहुत फेमिलियर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली कि आप सेमाई डिजिटल करना चाहते हो कि MID जो है आप उसको डिजिटल रखना चाहते हो, और डिजिटल स्पीडोमीटर भी आपको मिल जाता है, और स्पीडोमीटर हो या टाकोमीटर हो, मेरे को अगर आप मैनुअल दे दोगे तो आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट, आई थिंक इट्स ईजियर टू रीड, बट
क्योंकि सेगमेंट की डिमांड थोड़ी बढ़ रही हैं, तो एटलीस्ट कुछ कलर कॉम्बिनेशन में चेंज होना, वो सब चीज़ें जो चेंज होना है वो बनता है, वो जो चीज़ ये लोग मिस आउट कर देते हैं। फिर एक बेसिक सा फीचर है भैया कि सनग्लास होल्डर, यूजुअली हम ऑलमोस्ट हर गाड़ी में देखते हैं सनग्लास होल्डर इज मिसिंग हियर, राइट। फिर उसके बाद में आप ये अगर टच स्क्रीन की बात करोगे, ये इसमें चेंज किया गया है और सेगमेंट में अच्छी, मतलब अब फाइनली अच्छी आपको मिलने लगी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब इसके नीचे वाले वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो 8 इंच की वही पुराने ज़माने की आपको वो टच स्क्रीन मिलती है। तो एटलीस्ट कुछ और वेरिएंट्स में इस ये सब फीचर्स को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज कर देते तो मज़ा आ जाता। बाकी ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने चेंज किए हैं, ये डिज़ाइन लैंग्वेज जो है ये थोड़ी नई हमें नज़र आती है, स्पेशली बिकॉज अब ये थोड़ा सा फ्लोटिंग टाइप का आपका टच स्क्रीन है, ये सब चीज़ें हैं डेफिनेटली। बट बोलते ना कि वो प्रीमियमनेस के लिए कई फीचर की कटौती कर करके आप वो, अगर इसकी प्राइस ज़्यादा रहती है तो फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल लेदर सीट्स दी है, गुड, पीपल वांट इट, गुड। नीचे वाले वेरिएंट्स में आई एम श्योर आपको फैब्रिक मिलेगा, अच्छी बात है। बट टॉप एंड वेरिएंट में अगर आपने लेदर सीट्स दी है और हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन ईदर ह्यूमिड होता है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अब यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स होना बन जाता है। अदरवाइज लेदर सीट्स हैव प्रूवन टू बी वर्स इन क्लाइमेट कंडीशंस लाइक इंडिया। तो आपको बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है तो आपके लिए ओवरऑल कंफर्ट में ऐड होता है, ठीक है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, लाइक आई से आई कैन डू 500-700 किलोमीटर्स एक सिंगल स्ट्रेच में, पर बोलते हैं ना कि कंफर्ट में और ऐड ऑन हो जाए तो बुरी वाली बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट हमने नहीं दिया, एक बार को वो फीचर मैं भूल भी जाऊँगा, क्योंकि मैनुअल एडजस्टमेंट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं। बट एटलीस्ट लेदर सीट्स के साथ में परफोरेटेड लेदर लगा के आप वेंटिलेटेड सीट्स देते हैं, थोड़ा एक अच्छी बात आ जाती है। फिर क्योंकि मॉडर्न नए ज़माने की जनता के लिए गाड़ी आप बना रहे हो, अभी भी टाइप ए के आपके पास में स्लॉट्स हैं, टाइप सी का एक भी स्लॉट नहीं है, ना पीछे है ना आगे है, ठीक है। वायरलेस चार्जर आपको दे दिया है, वेरी गुड एडिशन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो अपर कार पे है, बहुत अच्छी बात है। बट टाइप सी आजकल तो कोई नॉवल्टी वाली बात ही नहीं है ना, वो मतलब यू कुड डेफिनेटली ईजिली ऑफर इट, तो ये चीज़। और पीछे तो टाइप ए भी नहीं है, वो भी छोड़िए, 12 भी पावर सॉकेट आपको दिया गया है। सो दीज थिंग्स ठीक है, कॉस्ट कटिंग में आपको मदद कर सकती है, पर वो बोलते हैं ना कि वो प्रीमियमनेस जब बात आती है, जब आप लोगों से प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, एक तो ब्रांड नेम की वजह से चार्ज करोगे, हम होंडा है तो हम आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, बट दैट सोली डजंट वर्क। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आपको एड ऑन देनी पड़ती है जो आप थोड़े से मिस आउट कर जाते हो। 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं है, बट अच्छी बात है कि लेफ्ट वाला दिया है, तो आपको वो जब आप लेफ़्ट टर्न करते हो, पीछे अगर आप टर्न कर रहे हो, लेफ्ट टर्न कर रहे हो, तो टर्न करते वक्त आप देख लो भैया पीछे कोई है या नहीं है। फिर रेन सेंसिंग वाइपर जैसा फीचर है जो थोड़ी सी मिसिंग, मेरे को कई बार चीज़ लगती है वो होनी चाहिए थी। बट एनीवे अभी 72 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 16.3 km का दिखा रहा है, हमारी जो स्पीड है वो 80-90 इसके आसपास ही रह रही है, और अभी तक हाईवे पे चल रहे हैं हम। अभी शहर में चलेंगे, फिर थोड़ी शहर की बात कर लेंगे। मैं तो आगे सीट की बात करूँगी, आगे वाली सीट कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, बट मेरे कलीग हैं अमित शर्मा जो कि पीछे बैठे हैं बहुत देर से, और वो पीछे वाली सीट का कैसा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो विकास, मेरी हाइट है 5'10" और जो आगे वाली सीट है ना वो तकरीबन 6 feet के बंदा आराम से बैठ सकता है, उस हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। फिर भी पीछे इतनी स्पेस है, मतलब 6 feet, इनफैक्ट 6 feet 2 inch का बंदा भी बैठेगा ना तो वो कंफर्टेबली जाएगा। देखो नी रूम, देखो इतना बचा हुआ है, मैं और आराम से बैठा हूँ, चौड़ में बैठा हूँ तब भी नी रूम काफ़ी ज़्यादा है और सीट के नीचे स्पेस भी है, तो आप अपने लेग्स भी अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हो। रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है, आप अगर लंबे रास्ते में, क्योंकि 75 किलोमीटर अपन चले हैं अभी तक, आई गेस इतना हो गया होगा, 76, तो मैं पूरे टाइम पीछे ही बैठा हूँ, और मैं स्पेसिफिकली पीछे बैठा था कि एक्सपीरियंस देखना था, क्योंकि सिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप उस पर कितना ही लंबा जा रहे हो आप थकोगे नहीं, तो मैं देखना चाह रहा था कि एसयूवी के साथ वो कर पाए हैं, और वो कर पाए हैं एक्चुअली। सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है, कह सकते हो थोड़ा थाई सपोर्ट कम है, लेकिन जो रिक्लाइन एंगल है और जो स्पेस ये दे रहा है, एयरी फील ऐसा दे रहा है कि आपको ज्यादा शिकायत इसमें लगेगी नहीं। कितने किलोमीटर आप चल सकते हो आपको लगता है कि बिना रुके? बिना रुके अगर स्ट्रेच कर रहे हैं अपन, तो जितना आगे वाला बंदा बैठ के जाएगा ना उतना ही मैं जा सकता हूँ। हाँ, एक दो चीज़ों की कमी है, जैसे इसके अंदर आपने बताया कि चार्जिंग ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ 12 वी पावर सॉकेट दे रखा है। फिर अगर 5 लोग हैं तो जो बीच में बैठेगा ना उसके लिए सिर्फ लैप टाइप सीट बेल्ट दी है। करेक्ट। अगर तीनों के लिए 3-point सीट बेल्ट दे देते हैं तो एक तो सेफ्टी कॉशन बढ़ जाता और ये
गड्ढा आया गड्ढे के बाद नहीं नहीं एक्चुअली नहीं पता चला। अगर आप इसकी जगह सेल्टॉस में होते या फिर किसी और एसयूवी में होते तो आपको फील होता। ये आप कह सकते हो कि ग्रैंड विटारा से बेटर है, ग्रैंड विटारा इसके बहुत नियरेस्ट है। अगर आप पीछे वाली फील की बात करें क्योंकि वो भी काफी अच्छी स्पेस देता है और फीचर्स वगैरह अगर बात करी जाए ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्टॉस और क्रेटा है ना इससे बेटर है। बट ओवरऑल पैकेज की बात करें कि स्पेशियसनेस कंफर्टेबल कौन है तो मैं होंडा एलिवेट को चूज करूँ। और तीन लोग बैठ जाएंगे आपको लगता है पीछे? एक्चुअली अगर मेरी साइज के मतलब मैं ब्रॉड हूँ अगर इस हिसाब से अगर मेरी साइज के होंगे तो दो लोग आराम से बैठ सकते हैं प्लस एक बच्चा या फिर एक बहुत ही स्किनी बंदा बैठ सकता है। और अगर विकास आप जैसे होंगे ना तो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। द ओनली इशू इज कि हम पहना हुआ थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट होके बैठना पड़ेगा। अदरवाइज है ना ये हैप्पी प्लेस है। और जो आप परफॉर्मेंस में भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि राइड क्वालिटी सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। सस्पेंशन सेटअप आपको बहुत ज्यादा बम्प्स अंदर फील नहीं होते और क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया है 220 एमएम का किया है तो आपको वो वाली फीलिंग आ रही है कि ये ज्यादा बाउंसी टाइप नहीं 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 आ रही। वही मैं सरप्राइज्ड हूं। अपन कल बात भी कर रहे थे प्रेजेंटेशन के अंदर कि इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ और ये इतने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं होंडा कार्स की जो टेक्निकल टीम है। आज सुबह मैंने उनके उनसे भी बात करी जिन्होंने सस्पेंशन ट्यून करा है, जिन्होंने सस्पेंशन पे काम किया है और दे वर सो कॉन्फिडेंट के आप इसको हाईवे सिटी कहीं पे भी चलाओ आप इससे बेटर कुछ भी नहीं है उनका ये कहना था। और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया इसके साथ। करेक्ट। रोड पे इतनी क्रेटा सेल्टॉस दिखती है, इनको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि डिलीवर अगर बुकिंग्स हुई है ना तो जितनी जल्दी डिलीवर कर सके क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो यह टोटल 112 किलोमीटर हम कर चुके हैं। As per the instrument cluster, the average fuel efficiency is 16.2 kmpl. As per the instrument cluster again, 256 kilometer range हमारे पास बची है। और जैसे ही आप हाईवे पे आते हो एक्चुअली जो फ्यूल एफिशिएंसी वो थोड़ी सी बेहतर होने लग जाती है। बट जैसे ही थोड़ी सी भी देर आपने रोक ली गाड़ी, अगर थोड़ा सा एसी ऑन कर लिया, फिर कैसे आप यू नो बॉटल पानी वानी की बॉटल खरीदने जा चले गए एक मिनट के लिए और फिर आप वापस आए तो फ्यूल एफिशिएंसी खटाक से ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। बट जो मैक्सिमम हमने देखी है वो अराउंड 18 के आसपास देखी है इफ़ यू डोंट प्रेस इट रियली हार्ड। बट और स्पीड जो है हमारी 80-90 के आसपास ही रही है वो तो फाइनल वैल्यू तो पता पड़ जाएगी। बट ओवरऑल आई थिंक द वे दिस कार ड्राइव्स, द वे दिस कार हैंडल्स, ड्राइवेबिलिटी जो है इस गाड़ी की, जो राइड क्वालिटी है, जो ओवरऑल आस्पेक्ट हैं ड्राइविंग से रिलेटेड, उसमें आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अब ये निराश क्या फ्यूल एफिशिएंसी में करती है वो वाली बात होगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बाकी सब चीज़ों की आई थिंक हम बात कर ली है। फ्रंट सीट्स की बात कर ली है कि ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, रियर सीट के लिए हम इतने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसी लग रही है। डिज़ाइन एक आस्पेक्ट है जिस पर आई लीव इट अप टू यू, बट द फर्स्ट टाइम जब मैं इसको स्टेज पर देखा था और जो मैं आज देख रहा हूँ, आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिज़ाइन जो आप पे ग्रो हो सकती है। आई एम स्टिल नॉट अ फैन ऑफ द डिज़ाइन ऑनेस्टली, आई स्टिल प्रेफर से द सेल्टॉस और द कुशाक मोर देन दिस। बट क्रेटा की जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं है, ये भी पक्की बात है क्योंकि क्रेटा आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डिज़ाइन में रही है। बट डिज़ाइन से कौन सी गाड़ियाँ बिकती नहीं बिकती है वो इस देश में कोई लॉजिक उसका है नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि क्रेटा अभी भी 12,000 यूनिट्स करती है हर महीने की, तो वैसी डिज़ाइन तो डेफिनेटली नहीं है। ओवरऑल आई थिंक दिस डिज़ाइन माइट ग्रो ऑन यू। आप बताइए, आप ज़्यादा बेटर जज हैं डिज़ाइन के बारे में। मैंने इनफैक्ट फर्स्ट लुक में भी नहीं बोला था, बट ये है कि देखने में ये लगता है कि बाकी जो अपने सारे राइवल्स है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन लैंग्वेज, बाकी सारे राइवल्स से लंबी लगती है ये ऑन रोड, मतलब जो उसकी रोड प्रेजेंस है वो उस मामले में कंपेरेटिवली थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इसका रोड प्रेजेंस है, थोड़ी सी लंबी ये आपको नजर आएगी। होंडा की ऑफ रोड जितने भी डिज़ाइन देखी है हमने उनमें से सबसे ज़्यादा स्क्वायरिश सॉर्ट ऑफ जो एक डिज़ाइन हमने देखी है वो इसमें ही देखी है। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं तो डिज़ाइन एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो That's it. और बाकी अब एंड में बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी क्या है और मेरे फाइनल वर्ड्स क्या हैं। फुल टैंक करना है ब्रिम तक, एकदम एंड तक। हैं ऑटो करनी? फुल करनी यहाँ तक। फुल करनी एकदम यहाँ तक। जीरो देखो। हाँ, एक मिनट। ये तो ऑटो कट पे गया। मारो मारो ऊपर से मारो। नहीं आया।
हल्का सा बस। हमने कुल 149.6 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके लिए एलिवेट ने कुल 10 लीटर का फ्यूल लिया, which means an average fuel efficiency of 14.72 kmpl, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली ठाक ठीक है, और टोटल डिस्टेंस में 30% के आसपास शहर और 70% के आसपास हाईवे रहा। तो अगर आप आराम से चलाओगे तो इससे शहर में अराउंड 12 kmpl और हाईवे पर 16 टू 17 kmpl इजीली निकाल सकते हैं। 14.7 kmpl के आसपास इसका रियलिस्टिक माइलेज आप निकाल सकते हो सिटी प्लस हाईवे मिला के, जिसमें सिटी लगभग 30-35% और हाईवे लगभग 60-65% है। उसके अलावा एक चीज़ अगर ये सही कर देते हैं, जिसका कि मुझे थोड़ा सा शक है क्योंकि होंडा जनरली प्राइस अच्छा नहीं करते, बट अगर अच्छी प्राइस ये कर देते हैं ना, तो आई थिंक दे कैन स्टिल डू वेल इन दिस सेगमेंट विद दिस काइंड ऑफ ऑफरिंग। What do you think? Do let me know in the comment section. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।